अजीबोगरीब माहौल था संभल के चितौरा गांव का। इस गांव की माटी में जन्मा लाल अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर शहीद हो गया था। सभी के चेहरों पर उसकी शहादत को लेकर गर्व का भाव दिख रहा था, लेकिन जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो कोहराम मच गया। हर किसी की आंखें नम हो गई। घर के बाहर रखे शव का प्रशासन से लेकर ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित किए। अंतिम संस्कार के लिए जब शव यात्रा निकाली गई तो भारत माँ की जय और प्रदीप कुमार अमर रहे का नारा पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। चितौरा शमशान घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके छोटे भाई प्रमोद ने दी। बता दें कि संभल के थाना कुड़फतेहगढ़ इलाके के गांव चितौरा निवासी नंदराम सिंह के बेटे प्रदीप कुमार आईटीबीपी में जवान थे। वो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा चिमगाथन पर तैनात थे। 14 मई की सुबह ड्यूटी के दौरान पाइपलाइन बिछाते समय वो खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान उनकी जान चली गई। परिजनों को शुक्रवार की सुबह 11 बजे उनकी शहादत की जानकारी मिली, तभी से पूरा गांव शोक में डूब गया था। रिश्तेदार और परिचित घर पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जवान की शहादत को नमन किया। रविवार सुबह 6 बजे दिल्ली से शहीद का शव सड़क रास्ते होते हुए पैतृक गांव लाया गया। यहां अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा गया था। इससे पहले सुबह से ही लोग शव का इंतजार करते हुए एक दूसरे से पता कर रहे थे कि शव कब आएगा। सुबह से ही क्षेत्र की महिला पुरुषों के अंदर अपार दुख तो था ही, लेकिन अपने क्षेत्र का लाडला देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया इस पर गर्व करते हुए आ रहे थे। वहीं गांव की हर महिला की आंखें नम दिखी। इसके बाद गांव के शमशान घाट ले जाया गया पार्थिव शरीर। यहां आईटीबीपी के जवानों द्वारा आर्मी धुन पर सलामी देते हुए 2 राउंड फायर किया गया। इसी क्रम में डीएम संजीव रंजन और एसपी चक्रेश मिश्रा ने शहीद को सलामी दी। वहीं राज्य मंत्री गुलाब देवी और क्षेत्र नेता सभी ने पहुंचकर शहीद को नमन किया। संभल से शिवाकर विद्यार्थी न्यूज़ ऑल इंडिया।